एमपी में आए दिन लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं करते, मेरे मासूम मत बनो, इतने इतने मासूम मत बनो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिजनेस कौन सा होगा ये सरकार तय करती है, तय बिजनेस को संपन्न स्पीकर करवाता है। हमारी एक ही मांग है, फ्लोर टेस्ट, क्योंकि आप अल्पमत में हैं और आपको कोई संवैधानिक हक नहीं है सरकार चाहे। अच्छा, काल है जो विधायक बंधक, कोई बंधक नहीं है, वो आ जाए उसके, ये बेकार की बात कर रहे हैं। कोई बंधक नहीं है, बार बार वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से कहता हूं, केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग कर रहे हैं, वो उनको विश्वास नहीं है राज्य की सुरक्षा पर, क्यों उनको सुरक्षा देने की अनुमति नहीं दे रहे। केंद्रीय सुरक्षा बल तब आ सकते हैं जब राज्य सरकार उनको अनुमति दे, और सब अपनी बात कह रहे हैं लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई है, उसको पता है कि वो फ्लोर टेस्ट में हार रही है, इसलिए भाग रही है। अगर फ्लोर टेस्ट कल देखेंगे, हम तो जोर देंगे कल फ्लोर टेस्ट करवाए। कार्यसूची में नहीं है तो ये भी बात कही जा रही है कि वो नहीं होगा फ्लोर टेस्ट, जैसी नौबत नहीं आएगी। और कल मैं फिर भी आग्रह करता हूं कि विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आए सरकार। देखिए, सरकार चाहे तो विश्वास मत लेके आ सकती है, विपक्ष सहमत है, और पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, तो करवा क्यों नहीं रहे।